हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया कबाब। ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है और इजीली बन जाता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाले रेसिपी के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं सोया कबाब की रेसिपी। इसके लिए हमें लेना है 1 कप सोया ग्रैनुल्स। सोया ग्रैनुल्स को हल्का गर्म पानी में 15 मिनट सोख करके उसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। 1 कप मीडियम पोहा। पोहा को मैंने ठंडे पानी में 5 मिनट सोख करके उसका अंदर का पानी निकाल कर उसका पेस्ट बना लिया है। एक कप कॉर्न लेंगे। कॉर्न को बिना पानी डाले दरदरा पेस्ट बना लेंगे। 8 से 10 लहसुन और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसका भी पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर थोड़े से बेसन लेना है। सबसे पहले इसका मिक्सचर बना लेंगे। इसके लिए एक बोल में पोहा का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद इसमें कॉर्न वाला पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें सोया ग्रैनुल्स और 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाला मिक्स करेंगे। मसाले में हमने लिया है 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। नमक यहाँ पर थोड़ा मैं कम डालूंगी क्योंकि आगे मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूंगी। चाट मसाला में पहले ही से नमक होता है। 1/3 छोटा चम्मच गर्म मसाला। अगर घर का गर्म मसाला नहीं है तो आप यहाँ पर एवरेस्ट का चिकन मसाला डाल दें। उसके बाद 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से इसे हाथों से मिक्स करें। हाथों से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें बेसन मिक्स करेंगे। बेसन यहाँ पर धीरे धीरे ऐड करना है। यहाँ पर 2 चम्मच बेसन ऐड करने के बाद मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज और नमक मिक्स करने के कारण मिक्सचर यहाँ पर थोड़ा सा पानी रिलीज करेगा, जिसके कारण बेसन को मैं धीरे धीरे ऐड करूँगी। यहाँ पर मिक्सचर को थोड़ा थिक करने के लिए 4 छोटा चम्मच बेसन और ऐड करेंगे। इसमें 8 चम्मच से ज़्यादा बेसन ना मिलाएं, ज़्यादा बेसन मिलाने पर बेसन का ही टेस्ट आएगा। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमारा मिक्सचर रेडी है। अब इसका पैटीज बना लेंगे। इसके लिए पहले हाथों के बीच में थोड़ा सा मिक्सचर हथेलियों पर लेकर उसका पैटीज बना लेंगे और इसे सोया ग्रैनुल्स में दोनों तरफ से कोट कर देंगे। इसे हाथों पर अच्छे से सेट करने के बाद तवे पर थोड़ा सा तेल डाल करके उसे सैलो फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम लो रखना है। इसे उलट पुलट करके लो फ्लेम पर ही सेक कर निकाल लेंगे। लो फ्लेम पर पकाने से यह अंदर से अच्छे से पक जाता है और कुरकुरा हो जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। दोनों साइड जब वो अच्छे से सिक जाए तो उसे निकाल लेंगे। अगर आपको हाथों से पैटीज बनाने में परेशानी हो रही है तो आप प्लेटर के ऊपर थोड़ा सा सोया ग्रैनुल्स स्प्रेड करें और उसके ऊपर थोड़ा सा मिक्सचर रखें। उसके बाद उसके ऊपर सोया ग्रैनुल्स को स्प्रेड करके अच्छे से सेट कर दें। अब इसे स्पैचुला की हेल्प से तवे पर डाल देंगे और इसे पहले वाले प्रोसेस की तरह सेक कर निकाल लेंगे। ध्यान रखें इसे लो फ्लेम पर ही सेकना है। दोनों तरफ से सेकने के बाद इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसे आप नींबू, प्याज, हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें।